Hi, I'm Faisal Khan. पहले सर, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन आपको चिनार दास्तान इश्क जी। फिल्म के बारे में जानना चाहेंगे, जिस तरह से फिल्म चिनार, तो जहाँ तक मेरा नॉलेज है ये एक वृक्ष का पेड़ है। टाइटल एक्चुअली इसका जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, चिनार फिल्म का, क्योंकि चिनार का जो पेड़ है वो, उसके जो पत्ते हैं वो हर मौसम के साथ बदलते रहते हैं। तो इस तरीके से जो हमारी जो पिक्चर है चिनार दास्तान इश्क, हाँ, तो हमारा एक 20 साल का अरसा बताया हमने, तो कैसे एक पीरियड के ऊपर रिश्ते भी बदलते हैं। चिनार का झाड़ भी बदलता है कलर से, रिश्ते भी बदलते हैं, कांस्टेंट नहीं रहते, उनमें उतार चढ़ाव, उनमें कभी नरम गर्मी सब चलती है, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, मियाँ बीवी का हो, बाप बेटी का हो, भाई बहन का हो, उसमें रिश्ते बदलते रहते हैं। तो वो हमने बताया कि रिश्ते का चेंजेस क्या एक दौर होता है। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है चिनार। जो मुझे नरेट की गई तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गया कि मुझे ये पिक्चर करनी है। उससे पहले मैं काफ़ी पिक्चर रिजेक्ट कर चुका था, तो ऐसा नहीं है कि मैं चिनार ऐसी ही उठ के चुन ली। और मैं कैरेक्टर से बहुत एक्साइटेड था और हूँ, क्योंकि उसमें ट्विन शेड्स खेलने मिल रहे थे मुझे एज एन एक्टर, मुझे अपनी काबिलियत दिखाने का एक मौका मिल रहा था। तो जैसे कि जो शेड होता है एक रोमांटिक लवर बॉय का, इनोसेंट लवर बॉय, उसके क्या हालात होते हैं, वो किस दौर से गुजरता है, उसमें क्या चेंज आ जाता है, और वो बहुत पावरफुल और रिच बन जाता है, और फिर वो कैसे अपना अलग स्टाइल से डील करता है लोगों के साथ। तो एक्टर को और क्या चाहिए, एक कैरेक्टर का शेड बदल रहा है, वो मज़ा आ रहा है उसमें। एक ऐसा नहीं है कि एक ही कैरेक्टर ऐसे चलते जा रहा है। और इस फिल्म में खूबी ये है कि इसमें ग्रे शेड्स हैं कैरेक्टर्स में, देखा मैंने ट्रेलर में, ग्रे शेड्स हैं, बहुत सारे ग्रे शेड्स हैं। हाँ, तो वो मज़ा आएगा, ऑडियंस को भी मज़ा आएगा देखते वक्त। ये शेड्स देख के एक फिल्म में एक नेचुरल पना है, एक अच्छा बहुत अच्छी फिल्म बनी है। और आई एम वेरी प्राउड, और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे, बहुत लकी हूँ कि ऐसी पिक्चर मुझे मिली, क्योंकि पिक्चर मिलना भी नसीब से पिक्चर मिलती है, एक रोल मिलता है। जैसे ये पिक्चर कोई और एक्चुअली हीरो को जा रही थी, लेकिन वो घूम फिर के ऐसा नसीब था कि वो आ गई मेरे पास। और मेरे सेक्रेटरी थे वही होटल में बैठे थे, डायरेक्टर जा रहा था साइन करने किसी को, उन्होंने उनका हाथ पकड़ के बिठाया और बोला, और मेरा बात जिक्र छेड़ा वो डायरेक्टर को, शारिक मिनाज को, कि फैसल भी एक्टिंग करना चाहता है फिर से और इंटरेस्टेड है। तो शारिक भाई बोला, अरे वो तो मेंटल हो गया है, वो मोटा हो गया है, अभी क्या लेंगे उसको। आसिफ साहब ने बोला, अरे आके मिलो तो उसको एक बार, और तुम्हारी फिल्म क्या है, कश्मीर के ऊपर है, अरे फैसल तो कश्मीरी दिखता है, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट, तो इसलिए तुम्हारे रोल में बैठता है, आओ मिलो उसको एक बार, देखो वो बिल्कुल नॉर्मल है, वो मोटा वोटा कुछ नहीं हुआ है, आके मिलो देखो उसको एक बार। तो उनको कन्विंस करके शारिक भाई को मेरे पास लाया गया, और फिर उन्होंने मुझे मिले और वो बोले, नहीं यार तो अच्छा है, इसको मज़ा आएगा तो काम करके लेना चाहिए। इस तरह से चिनार मुझे नरेट किया शारिक भाई ने, मुझे बहुत अच्छी लगी। फिर मैंने दोबारा सुनी, फिर मैंने उसको हाँ बोला, और शारिक भाई ने वो अच्छा तरीके से बना दिया है पिक्चर को। ट्रेलर में देखा सर मैंने, बहुत ही जैसे कि कश्मीर, मतलब पूरी शूटिंग कश्मीर में की है, 80% शूटिंग हमारी कश्मीर में हुई है। ब्यूटीफुल लोकेशंस मिले हैं, जो कश्मीर जाना जाता है कि कश्मीर जाना जाता है रोमांस से, कश्मीर की रूह है रोमांस, वो तो टेररिज्म बाद में आ गया कश्मीर में, तो वो हमने फिर से इस फिल्म के थ्रू, इस फिल्म के द्वारा पेश किया है कि कश्मीर रोमांस की जगह है। लीड एक्टर आई थिंक जो उनका डेब्यू कर रहे हैं, इनायत जी, तो कैसे रहा उनके साथ एक्सपीरियंस, बिकॉज कुछ जब पहला दिन था तो कुछ नर्वस थी वो कि मुझे, अरे आजकल के जो लोग हैं, जो नए एक्टर्स हैं, वो तो मुझे नर्वस कर देते हैं। वो लोग आजकल कुछ नर्वस, वो सब पुराने जमाने की बातें थी। आजकल जो नई पीढ़ी है, जो एक्टर्स हैं, इतने कॉन्फिडेंट हैं। और इनायत तो थिएटर करके भी आई है, तो उसको कुछ एक्सपीरियंस भी है एक्टिंग का, काफ़ी कुछ प्लेज वेज थिएटर किया उसने, तो शी इज़ डन अ वेरी गुड जॉब। और काफ़ी दूसरे भी नए लोग हैं इस फिल्म में जो अच्छे अच्छे किरदार कर रहे हैं। क्या वो रीज़न था 10-12 साल आप इंडस्ट्री में से दूर रहे? जी, एक्चुअली क्या हो गया कि मेरी पहली पिक्चर मधोश जो रिलीज हुई वो चली नहीं, फिर मेला रिलीज हुई, मेला तो सुपर डुपर नहीं कहाँ हिट हुई, मेला तो सुपर डुपर फ्लॉप हो गई। आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर को पूछिए, मेरे सामने खड़ा करिए, आप रतन जैन को पूछ लीजिए, मिस्टर रतन जैन जो विनेश के मालिक, बुझ गया भी आपकी फिल्म आई, चांद बुझ गया तो बहुत बाद में आई, वो भी उसकी एक अलग कहानी है। क्या हो गया, पहले मधोश रिलीज हुई और मेला बैक टू बैक, मतलब कुछ अरसे में, तो दोनों फ्लॉप हो गई। और मधोश में तो मेरा काम बहुत बुरा था, मैं खुद मानता हूँ बहुत बुरा काम किया मैंने। मतलब मैं जब पिक्चर देखा फर्स्ट कॉपी तैयार होके, फिर पिक्चर काम कर रहे थे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लगे थे पिक्चर बनानी है, बन गई, देखो भाई क्या बनी है, मैं शॉक हो गया, ओ शिट, इतना बुरा काम, मैं तो चलूंगा ही नहीं। मैंने पहले अपने आप को ही फेल कर दिया, और वही हुआ, पिक्चर फ्लॉप हो गई, मैं फेल हो गया। फिर मैंने थिएटर ज्वाइन किया,
रीस्टार्ट अपने ऊपर काम, वर्किंग एज एन एक्टर, टेक्निक सीखना, ये करना, थिएटर से आदमी बहुत खुलता है। तो वो किया और उसके बाद मेला आई, मेला में थोड़ा मेरा काम लोगों को पसंद आया, मुझे खुशी हुई, लेकिन पिक्चर नहीं चली, तो फिर से काम मिलना बंद हो गया। जो एक्टर चाहता है कि अच्छा प्रोडक्शन हो, अच्छी फिल्म हो, अच्छा डायरेक्टर हो, बड़ा हो, ताकि हर चीज़ एक अच्छी तरह से पेश की जाए, वो नहीं हुई, वो नहीं मिलती थी मुझे मेला के बाद, क्योंकि पिक्चर फ्लॉप हो गई। तो फिर मैं ऑफिस गया, प्रोड्यूसर्स के ऑफिस, डायरेक्टर्स के ऑफिस, भाई मुझे लो, ये सोच के कि मेरा काम तो अच्छा है, शायद उनको ये लगेगा कि नहीं काम जानता है तो इसको लेना चाहिए, लेकिन वो भी नहीं हुआ। 6 महीने के बाद जब मुझे कोई काम नहीं आया जो मैं चाहता था, कोई लेवल का, तो मैंने सोचा कि यार अब काम करना है तो छोटी फिल्म करो, क्योंकि बड़ी फिल्म नहीं आने वाली। अगर मैं इस गलत इरादा लेके बैठूँ या कुछ ख्वाब लेके बैठूँ कि कोई आ जाएगा तो वो नहीं होने वाला है, हकीकत क्या है वो पहचानो। तो हकीकत ये थी कि मैं फ्लॉप एक्टर था, काम जानता था मेला के बाद, लेकिन नहीं। तो मैंने छोटी फिल्में की और एक दो फिल्म चली भी, काबू और बस्ती ऐसी फिल्में जिन्होंने थोड़ा प्रॉफिट्स कमाया मार्केट में, लेकिन प्रोड्यूसर्स ने उसका एक जो शो बिजनेस होता है उसको बताना पड़ता है कि भाई ये पिक्चर हिट हुई है। आजकल जैसे पार्टीज होती हैं कि भाई हिट होगी, एक ढिंडोरा पीटना पड़ता है, तो वो प्रोड्यूसर्स ने वो पीटा नहीं ढिंडोरा, तो वो भी एक दब के रह गई बात। फिर जो बाकी की जो पिक्चर्स थी, कुछ पिक्चर्स प्रोड्यूसर्स सही गलत निकले, उन्होंने सही तरीके से रिलीज नहीं की, कुछ उन्होंने ऐसे एक पिक्चर है दुश्मनी जो रेडी बन के पड़ी है, लेकिन वो प्रोड्यूसर ने कुछ डिस्ट्रीब्यूशन के साथ कुछ गड़बड़ कर दी थी, तो वो पिक्चर मेरी अटक गई, वो पूरी रेडी पिक्चर है। तो ऐसे हालात बन गए। इस चांद बुझ गया जो आपने जिक्र किया, इतनी अच्छी पिक्चर थी, इतनी अच्छी स्टोरी थी शारिक मिनास की, और पहली पिक्चर थी मेरे साथ, वो पिक्चर इतनी अच्छी बनाई गई, लेकिन वो भी रिलीज में प्रॉब्लम हो गई। उसको हाई कोर्ट से ये मिल गया था कि रिलीज करो, परमिशन मिल गया था, लेकिन प्रोड्यूसर ने कुछ गड़बड़ की, कुछ पैसा उठाया था मार्केट से, वो दे नहीं पाए, तो वो पिक्चर रुक दी गई, रिलीज के दिन ही रोक दी गई। तो ये सब फेस करना पड़ गया मुझे एज एन एक्टर। तो मेरी पिक्चरें छोटी पिक्चरें थी, मैं मेहनत बहुत करता था, लेकिन उसको सही प्लेटफॉर्म सही तरीके से पेश नहीं किया जा रहा था, तो मेरी एफर्ट्स फेल हो रही थी। मैंने अपने सेक्रेटरी को बुलाया, आसिफ खान, और मैंने बोला भाई सुनिए, ये हाल है, हम ये रियलिटी है, छोटी पिक्चर में मेहनत कर रहे हैं, सही तरीके से रिलीज़ नहीं हो रही है, बड़ी पिक्चर मिलने नहीं वाली है, और आपका और मेरा रिश्ता पुराना है, तो आप यहाँ आ सकते हैं मेरे घर पे, आइए चाय पीजिए, केक खाइए, इडली खाइए, लेकिन पिक्चर और का नाम मत लीजिएगा, मुझे पिक्चर करना नहीं है, फिनिश, पैकअप। डिसअपॉइंटेड हो गया था। तो फिर आसिफ खान भी चले गए, हाय फोन पे कभी कभी बात करते थे, फिर मैं भी अपना स्क्रिप्टिंग डिपार्टमेंट में लग गया आमिर खान प्रोडक्शंस में। अच्छा, फिर एक मेंटल टैग भी लग गया था, वो भी एक दौर था कि यार ये तो थोड़ा मेंटल हो गया, रूमर्स थे ये सब, तो वो भी एक आ गया, उस एक मुश्किल दौर से उससे भी गुजरे, उससे भी निकल गए, फिर से सब फैमिली साथ में आ गई, सब हो गया, आमिर खान प्रोडक्शन में ज्वाइन हो गए, और वहाँ स्क्रिप्ट रीडिंग एज स्क्रिप्ट डॉक्टर ज्वाइन किया, तो वो भी काम चल रहा था। अब सडनली 5 साल काम करने के बाद एक डायरेक्टर उठा, उसको पता नहीं क्या कुछ करंट लग गया, उसको फैसल खान के साथ ही काम करना है, अब पता नहीं, वो बहुत हिम्मत वाला है भाई, सहीम भाई है उनका नाम, सहीम भाई उठे और उन्होंने आसिफ खान को फ़ोन लगाया और बोला मेरे को फैसल खान ही चाहिए पिक्चर में। तो आसिफ खान ने उनको समझाया कि भाई फैसल खान अब नहीं कर रहा है काम, और वो हमको घर से भगा देगा अगर हम उसके पास गए भी और फिल्म की बात की है, तो वो हमको बोलेगा आप भाई खुदा हाफिज, आप लोग जा सकते हैं, बिकॉज आसिफ भाई मेरा नेचर जानते हैं। तो आसिफ भाई ने बोला यार वो तो नहीं मानेगा, वो बहुत स्टफ, मतलब एक बार उसने फैसला कर लिया तो फ़ायदा नहीं, तो नहीं नहीं मुझे फैसल ही चाहिए, मुझे फैसल ही चाहिए। सहीम भाई पीछे पड़ गए और वो ले आए आसिफ खान को मेरे घर पर। तो मैंने बोला अच्छा, तो मैंने बोला ठीक है, मैं तो लंदन में था, तो मैंने वहाँ से दोस्त थे साथ में, मैंने उनको पूछा कि भाई ये देखो ये कुछ फिल्म ऑफर हो रही है, ऐसा लग रहा है, क्या करें? तो उन लोग ने बोला यार कर लो। तो मुझे ऐसा सजेशन आया, फीडबैक आया, बोला यार लेकिन छोटी पिक्चर में मेरा बैड एक्सपीरियंस रहा है, मेरी मेहनत सब जाया गई है। तो उन्होंने बोला नहीं, आजकल दौर चेंज हो गया, छोटी फिल्में भी चल रही हैं, एक छोटी फिल्में भी ज़्यादा लोग देख रहे हैं, एक सिनेमा अलग टाइप का हो गया है, खुल गया है। तो फिर मैंने बोला यार ये भी तो सही बात है। तो फिर मैंने हिम्मत की और बोला चलो ठीक है, सुनते हैं क्या क्या लेके आ रहे हैं लोग, क्या मुझे ऑफ़र कर रहे हैं काम, क्या रोल है। तो मैं आया लंदन से और मैंने सुना कहानी, तो मैंने रिजेक्ट कर दी। तो मैंने बोला मैं ये बेकार फिल्में नहीं करूँगा, फिल्म करूँगा, छोटी भी करूँगा, तो कुछ फिल्म में बात होनी चाहिए। और आसिफ खान को अब पता चल गया कि फैसल भाई फिर से एक्टिंग करना, इंटरेस्ट जाग गया उनका, एक्टिंग का जो कीड़ा है वो अभी तक मरा नहीं है, वंस एन एक्टर ऑलवेज एन एक्टर। तो वो लाने लग गए, हर हफ्ते या हर 10 दिन पे कोई कहानी सुनाने आ रहा है और मैं रिजेक्ट करते जा रहा हूँ। और मैं बोला यार ये क्या हो रहा है, ये तो कुछ कहानी नहीं जम रही है, मैं तैयार हूँ तो कहानी नहीं मिल रही।
फिर आसिफ खान ने वो जो एक सीक्वेंस मैंने बताया आपको कि वो बैठे थे होटल में और शारिक भाई किसी और हीरो को साइन करने जाते, उनने शारिक भाई को कन्विंस किया बैठा के और वो शारिक भाई को मेरे पास लेके आए। छोटी फिल्में भी आपने बताया कि चल रही है, बड़ी फिल्में भी चल रही है जी, स्क्रिप्ट अच्छी होनी चाहिए, तो क्या क्या चेंजेस आप देखते हैं इंडस्ट्री में 10-12 सालों में, क्या क्या चेंजेस आए? देखिए चेंजेस जो आए हैं वो टेक्नोलॉजी को लेके आए, मतलब कैमरा जो एक एक रील होती थी अब तो चिप आ गया है, कैमरे बदल गए, रॉस्टॉक पे पहले फिल्म बनाई जाती थी कितना महंगा होता था, अब वो कैमरेज भी चिप आ गई, कुछ लाइट्स बदल गई हैं, डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम ही बदल गया है, कॉर्पोरेट्स आ गए, तो हर डिपार्टमेंट में फिल्म में कुछ चेंजेस आ गए। लेकिन बेसिक चीज़ क्या है वो भूलना नहीं चाहिए कि बेसिक चीज़ फिल्म मेकिंग की है कहानी, कहानी होना चाहिए, कहानी चलती है और वो अभी तक वही होल्ड करता है कि स्क्रिप्ट वर्क्स। चिनार को अगर आमिर खान साहब ने भी अगर देखी हो या नहीं, आमिर ने देखी नहीं अभी तक, नहीं देखी आप दिखाना चाहेंगे उन्हें फिल्म? उनके पास अभी फिलहाल वक्त नहीं था क्योंकि मैं आमिर को कंप्लीट प्रोडक्ट दिखाना चाहता था और हमारा प्रोडक्ट अभी जाके कंप्लीट हुआ है और उस दौरान तक क्योंकि आमिर खुद मुझे कुछ खामियां नजर आ रही थी एज ए टेक्नीशियन फिल्म में, हाँ फिल्म में, तो मैं उसको करेक्ट करते जा रहा था, शारिक भाई के साथ हम लोग सलाह दे रहे थे कुछ कर, शारिक भाई ये कर दो वो कर, शारिक भाई कुछ बोलते थे, तो एक वो पूरा प्रोसेस होता है फिल्म मेकिंग का कि ये निकालो ये जोड़ो, तो मैं खुद जब तक कन्विंस नहीं हो पा रहा था मैं आमिर को क्या बताऊँ, आमिर तो एक्सपर्ट आदमी है, आमिर तो पहले मैं तो शारिक भाई पहले मुझे तो कन्विंस करो आप, फिर मैं लेके जाता हूँ, आमिर को भी दिखाएंगे, आमिर भी, लेकिन एक फिनिश प्रोडक्ट हम लोग बोले कि हाँ अब इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते, अब हम लोग आमिर को दिखा सकते और फिर उनकी राय मशवरा उनकी सजेशंस लेते, लेकिन फिल्म जब तक कंप्लीट होती तो आमिर तो निकल गए अपने शूटिंग पे दंगल पे, तो अब फिल्म वो बाद में ही देखेंगे शायद इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, तो कई दिनों पहले मैंने आप कहीं का ऐसा इंटरव्यू पढ़ा था, आपने कहा था कि मैं आमिर खान जी को लेके स्क्रिप्ट कर रहा हूँ, उनके साथ में फिल्म को ऐसी नहीं, मुझे वो जर्नलिस्ट ने पूछा था कि आप डायरेक्शन का भी आपको शौक है, तो मैंने बोला हाँ है, और क्या आप करेंगे आमिर के साथ, तो हमने बोला क्यों नहीं करेंगे, अगर हम ऐसी एक स्क्रिप्ट आई और कहानी ऐसे लगा कि इसमें आमिर सूट होते हैं तो हम ज़रूर आमिर को भी अप्रोच करेंगे, उनको कन्विंस करेंगे, तो ऐसा हुआ, तो क्यों नहीं, और वो अभी भी मैं बोलता हूँ कि अगर मुझे इंशाल्लाह डायरेक्शन में सोच रहा हूँ मैं करूँगा, सीखा भी है कुछ, अगर हमें दंगल के बारे में अगर आप बता सके या स्क्रिप्ट आपने पढ़ी हो जी या नहीं। दंगल का क्या हुआ कि एक्चुअली दंगल जब चुनी गई तो मेरी शूटिंग चल रही थी चिनार की, तो दंगल मैंने सुनी नहीं है एज मतलब मैं उसमें था नहीं कि मैं आमिर को सजेशन दे पाता, वो स्क्रिप्ट मैंने सुनी नहीं है दंगल की स्क्रिप्ट, तो वो हाँ पूरी आमिर तो हर रोल के लिए बहुत मेहनत करते हैं, बहुत लगन है उनको अपने काम से और अभी तो उन्होंने पूरा ट्रांसफॉर्म कर दिया अपने आप को, बहुत आमिर तो बहुत डेडिकेटेड एक्टर है और उनसे सीख ले, अपना वो जो उनका बचपन वाला लुक होता है वो ला पाएंगे दोबारा वो, क्योंकि आपने ही कहा था हाँ लाएंगे वो, आमिर जो है आमिर कुछ भी कर सकते हैं अगर वो ऐसा कर सकते हैं कि वो इस एज में इतना वेट बढ़ा लिया उन्होंने, पता नहीं 100 के ऊपर पहुंच गए, 90 समथिंग है, नहीं अभी 100 के ऊपर पहुंच गया, हाँ 108 ऐसा कुछ, तो वो आमिर ऐसे इंसान है कि वो दिमाग लड़ा लें तो फिर वो ख़त्म, फिर वो करके ही छोड़ते हैं, तो और अच्छा ये दंगल में मैंने सुना है, अब मैं श्योर नहीं हूँ, उनका ऐसा भी शेड है इस फिल्म में जहाँ वो स्लिम ट्रिम हो जाते हैं, तो अब जो शूट करेंगे उनको ये उतारना भी है बॉडी उनकी यही फिल्म के लिए, ऐसा मैंने सुना है, आई एम नॉट श्योर, तो ऐसा तो अब वो भी प्रोसेस होगा जब ये शूटिंग कर लेंगे ये पार्ट, तो इनका भी शायद कुछ पार्ट होगा जब वो जवानी में पहलवान थे, क्योंकि हाँ। वो अपने डॉटर्स को शायद सिखाते हैं लाइफ पहलवानी या जो भी, तो इनका जब फाइट तो उनको भी वापस स्लिम डाउन होना पड़ेगा यही फिल्म के लिए, तो दैट इज ऑल्सो अ चैलेंज फॉर हिम। अगर मैं चिनार के बारे में अगर बात करूं जी जी, तो 16 अक्टूबर को रिलीज है, तो क्या एक्सपेक्टेशन आप रखते हैं आप? देखिए क्या है ना बेसिकली अगर कहानी अच्छी हो तो वो यंगस्टर्स को भी पसंद आएगी, आजकल के यंगस्टर्स भी काफ़ी सेंसिबल हो गए हैं, तो वो भी देखेंगे यार उछल कूद तो बहुत हो गया, अच्छी पिक्चर तो हर आदमी देखना चाहता है जी, तो ये एक अच्छी पिक्चर है मेरे हिसाब से, जैसे लोगों को गाने पसंद आ रहे हैं तो उनको एफर्ट दिख रही है कि गाने अच्छे रिकॉर्ड भी म्यूज़िक भी अच्छा है जो एक नए लड़के ने दिया है और पिक्चराइज भी अच्छे हो, ट्रेलर लोगों को पसंद आ रहे हैं, तो इससे थोड़ा हौसला बढ़ रहा है कि शायद ये जो हम लोग ने एक एफर्ट की है इस पिक्चर में चिनार, लोगों को शायद पसंद आएगी, जो हमारे ऐसा हमको लग रहा है अभी जो फील आ रही है अभी तक कि हम लोग ने अभी तक तो सही सब सही जा रहा है, पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा है हर तरफ से, तो शायद इंशाल्लाह और पिक्चर अच्छी बनी है हर तरीके से, तो अच्छी पिक्चर तो अच्छी होती है। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, आपकी फिल्म चले, थैंक यू, सुपर डुपर, थैंक यू।
my sunrise sky.